केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। यहां कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को शॉल उड़ाकर और फूल देकर स्वागत उनका किया और उसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, आपको बता दें कि उनकी 125वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शाह ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और आपको बता दें इनकी जयंती मनाने के निर्णय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, विशेष रूप से नेताजी के जीवन के बारे में बच्चों और युवाओं को शिक्षित करेंगे, तो लाखों बच्चे इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए शत शत नमन किया है तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया।